हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विजय पथ। आज आपको शॉर्टकट ट्रिक्स के लिए मैं आपको पूरा बताऊंगा। नाउ फ्रेंड्स, अभी जो हमारा टॉपिक है आज वो स्क्वायर रूट्स के ऊपर है। हाय फ्रेंड्स, मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा टू फाइंड द स्क्वायर्स बिटवीन 25 to 50 and 50 to 75 and after then 75 to 100। दोस्त, अभी हम किस प्रकार से जो है 50 से लेकर जो है 50 के नियर अबाउट और 100 के नियर अबाउट के जो स्क्वायर रूट्स हैं वो हम निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको इसकी शॉर्टकट ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हमें 50 के नियर अबाउट के अगर स्क्वायर रूट्स निकालने हों, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मुझे 48 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 48 का स्क्वायर रूट बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप याद रखें कि एक 50 के नियर अबाउट आपने चेक करना होता है, और इसी का एक फ्रेंड है जो है 25, जिसके नियर अबाउट का हमने स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले फ्रेंड्स, अभी हमें जो है 48 का स्क्वायर रूट निकालना है। 48 का स्क्वायर निकालना है बहुत ही सिंपल है। 50 से ये कितना कम है, 50 से ये 2 लेस है, इसलिए 2 2 4। मगर कभी भी आप सिंगल डिजिट नहीं लिखेंगे, इसको हर बार डबल में लिखेंगे, 0 4। इसके बाद आपका ये 50 से कितना कम था, 2 कम था। आपने 50 से यानी कि 25 से 2 लेस कर लेने, यानी कि 23 0 4 इज़ द आंसर। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए एक और लेते हैं, 47 का स्क्वायर रूट निकालना है। 47 का स्क्वायर रूट देखिए 50 से कितना कम है, 3 कम है, यानी कि 50 से ये 3 कम है, तो यानी कि 3 3 9, यानी कि 0 9। सिंगल डिजिट नहीं लेना है, डबल में लेते हैं। 50 से ये 3 कम था, इसलिए आपने 25 से भी 3 ही लेस करने हैं, हर बार 25 से ही करने हैं। तो आपका आ गया 3 लेस किए तो 22, तो 22 0 9 ये आंसर आ जाएगा आपका। आफ्टर देन एक और हम ट्राई करते हैं, 55 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालना है, ये 50 के नियर अबाउट का वैल्यू है, तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, 5 5 ज़ा 25, और ये 5 ज़्यादा है तो 5 ही इसमें प्लस हो जाएंगे, तो यानी कि 3 0 2 5 इज़ द आंसर। एक और हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं इसके लिए, अब थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेते हैं। 50 से ये कितनी ज़्यादा है, ये 12 ज़्यादा है, यानी कि 12 12 ज़ा 144। मगर हमें हर बार यहाँ पर 2 डिजिट चाहिए, यहाँ पर 3 आ गया, ये याद रखिएगा। यानी कि 12 ज़्यादा है तो आपने 25 by 12 प्लस कर लीजिए, तो हो गए 37। 37 यहाँ पे आपके 2 डिजिट चाहिए, 1 एक्स्ट्रा है, 37 plus 1 38, तो 3 8 4 इज़ द आंसर। बहुत ही सिंपल ट्रिक्स हैं जिनको हम यूज़ करके जो है मल्टीप्लाई में यूज़ कर सकते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए। एक और फ्रेंड्स लेते हैं हम, 50 के नियर अबाउट में 38 का स्क्वायर रूट निकालना है अगर हमने, तो 38 का स्क्वायर रूट यानी कि ये 50 से कितना कम है, ये 50 से हमारा 12 कम है, तो 12 कम है यानी कि 12 12 ज़ा 144, तो 12 ही आपने 25 से लेस कर लेने हैं, तो 12 लेस करने पर कितना आ जाएगा, जल्दी से, 12 लेस करने पर आ गया आपका 13 13 प्लस 1 14, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो नाउ फ्रेंड्स, अगर सपोज दैट हमें इससे बड़ी वैल्यूज निकालनी हो, फॉर एग्जांपल के लिए नियर अबाउट 200, तो हमने 175 से लेकर अब 150 तक की वैल्यूज़ को किस प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमें 25 की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें फ्रेंड्स सिंपल सा क्वेश्चन तरीके से हो जाता है ये। फॉर एग्जांपल के लिए आपको 98, ये 100 के नियर अबाउट की वैल्यू है, तो हमें मालूम है कि 98 जो है वो 2 लेस है 100 से, तो यानी कि 2 2 ज़ा 4, तो हमारा सिंगल डिजिट वैसे ही नहीं रहेगा, उसी हिसाब से 0 4। तो आपने उतना ही जितना कम होगा उसी डिजिट से सेम से लेस कर लीजिए, यानी कि 9 6 0 4 इज़ द आंसर। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप 92 लीजिए,
तो 92 जो है वो 100 से कितने कम है, ये है आपका 8 लेस है, यानी कि 8 8 जा 64, यानी कि आपका 8 लेस है, तो आपने 92 से भी 8 लेस कर लेने हैं, तो आपका कितना आ जाएगा 84, तो 8464 इज़ द आंसर। बहुत ही सिंपल ट्रिक रहती है फ्रेंड्स, आप इस ट्रिक को अपनाकर आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें ये 100 से अबव जाती है तो हम किस हिसाब से निकालेंगे, देखें फ्रेंड्स 104 यानी कि 100 से ये 4 मोर है, यानी कि ज़्यादा है, तो 44 जा 16, यानी कि 44 जा 16, यानी कि आपको जो है 4 ही इसमें प्लस कर देने हैं, यानी कि 108, तो 10816 इज़ द आंसर। तो ये सिंपल हमारी जो ट्रिक्स होती हैं आप इनको अपना सकते हैं, जिनसे आप जो है 150 तक के स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हैं। एक मैं और वैल्यू लेके चलता हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए 112 जो हमारी जो वैल्यू है वो नियर अबाउट किसके है 100 के, तो 100 से ये मोर है 12, तो 12 द 144, मगर हमें यहाँ पर दो ही डिजिट चाहिए, 12 इसी में प्लस कर दीजिए 124 ये इसके आ जाएंगे और 125, तो आंसर इज 12544। एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं 125, यानी कि ये हमारा 100 से जो है वो 25 मोर है, यानी कि 25 मोर है, तो यानी कि 625, हमें यहाँ पर दो ही डिजिट चाहिए थे, आपने 25 ही इसमें प्लस कर दीजिए, यानी कि 125 में 25 प्लस करते हैं तो आपका आता है 150 प्लस 156, तो 15625 इज़ द आंसर। बहुत ही सिंपल ट्रिक्स रहती हैं फ्रेंड्स, आप इनको अपना कर जो है आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इन ट्रिक्स को आप लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें, जिनसे हमें जो है पूरी वैल्यूएबल ट्रिक्स को बनाने में हेल्प मिलती है। थैंक यू।